टीआरपी सबको पीछे छोड़कर नंबर एक पर पहुंची नागिन। सलमान खान का रियलिटी शो टीआरपी के टॉप 10 में भी शामिल नहीं और नागिन ने आते ही बनाया रिकॉर्ड। इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में बड़ा बदलाव हुआ है। कई हफ्तों से नंबर एक पर चल रहा कुंडली भाग्य और कुमकुम भाग्य एक पायदान नीचे आ गया है और सभी पॉपुलर शोज को पीछे छोड़कर रेस में सबसे आगे निकल गया है टीवी शो नागिन 3। देखिए इस हफ्ते किस शो को मिली है कौन सी जगह। एकता कपूर का शो नागिन 3 लॉन्च होने से पहले ही चर्चा में था। चर्चा के मुताबिक ऑन एयर होते ही शो ने टीआरपी लिस्ट में नंबर एक की जगह हासिल कर ली है। इससे कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य को बड़ा झटका लगा है। सलमान खान का रियलिटी शो 10 का दम भी हाल ही में शुरू हुआ था, मगर अब तक टॉप 10 में भी ये शो शामिल नहीं हो पाया है। नागिन 3 के बाद दूसरे नंबर पर जगह बनाई है कुंडली भाग्य ने। तीसरे नंबर पर है जी टीवी का ही शो कुमकुम भाग्य। काफी समय से ये शो टीआरपी लिस्ट में तीसरे चौथे नंबर पर बना हुआ है। चौथे नंबर पर है डांस रियलिटी शो डांस दीवाने। इस शो को टैलेंटेड कंटेस्टेंट और हर हफ्ते आने वाले सेलिब्रिटी जजेस की वजह से काफी अच्छी टीआरपी मिल रही है। हाल ही में शो में रेस 3 की टीम शामिल हुई थी। पांचवे नंबर पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो की कहानी में बीते दिनों बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसका फायदा शो की टीआरपी को भी हो रहा है। टॉप 10 शोज की बात करें तो नागिन 3, कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, डांस दीवाने और ये रिश्ता क्या कहलाता है के बाद हैं कुलदीप कुमार बाजेवाला, शक्ति अस्तित्व के एहसास की, इश्क सुभानअल्लाह, तारक मेहता और इश्क में मर जावा।